अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सर? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सुबह से लाइट नहीं है भाई, पूरे पाकिस्तान में लाइट नहीं है। मुझे लगा था कि सिर्फ कराची में नहीं है, लेकिन मैंने अम्मा को फोन किया, वहाँ भी नहीं है। मैंने लाहौर में अपने कजन को फोन किया, वहाँ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। लिटरली पाकिस्तान में कहीं भी सुबह से बिजली नहीं है, गैस नहीं है, ठंडे पानी से नहा रहे हैं और खाना कैसे पकेगा समझ नहीं आ रही। हमें सारा जो सिस्टम है ना वो उल्टा हुआ है। मेरे साथ एक बहुत बड़ा मिसअप हुआ जो मैं आपको थोड़ी सी देर में बताता हूँ, लेकिन अभी क्योंकि हमें शादी के लिए निकलना है तो लेडीज आर ये देखें अभी तक तैयार नहीं। दराज खोल दे मेरे इयररिंग्स उसमें। ये अभी हमें शादी पे पहुंचना था भाई, ये टाइम देखें, ये देखें 10 बजे। मतलब ठीक है, आई अंडरस्टैंड कराची वाले लेट जाते हैं, लेकिन ये हाँ जी, उस दिन आपने कहा था 10 बजे बंद हो जाता है, 12 बजे तक चली थी। प्लीज ना। एंड अदर न्यूज, आई थिंक जो व्लॉग है वो थोड़ा सा मुबारक है क्योंकि लाइट आ गई भाई, रिंग लाइट सिंग लाइट ऑन करके लोगों ने टिकटॉक शिकटॉक बना रहे थे। और मुझे अभी अन्य ने बताया कि मान ने मेरे साथ ही बनानी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट मैं जरा नैप लेने के लिए सो गया जी। ओके यार, नहीं मेरा सामान गिरेगा। वाह ईमान, ये किसका कमरा है? मैंने पहली दफा देखा है यार। सीरियसली ये अपने कमरे में सोते भी नहीं है, ये इनका कमरा है जो बहुत गर्ली गर्ली और बेबीश है। लेकिन ये लोग अभी एक्नॉलेज नहीं करते कि लोग बेबी हैं, ये लोग छोटे हैं। नहीं, हम लोग पहले इसमें सोते थे। ओके ओके सॉरी ईमान, आराम से ईमान, टूट जाएगा। इजी इजी ईमान, कुछ अंदर पड़ा हुआ है। हाँ तो वही तो करे ना। ओ वेट, ये नहीं है। अली भाई ट्राइंग टू ओपन दिस। हां क्या चाहिए? इयररिंग चाहिए। अली भाई नहीं करे यार, अली भाई चुप करे आप। पर ये देखो, ये इसलिए नहीं खुल रहा, इसके अंदर कुछ फंसा हुआ है, वहां तक मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। अब मैं कैसे खोलूं बताओ? तो मजे की बात है कि आई स्पोक टू सून, मैंने अनिया को कॉल करके पूछा, मैंने कहा लाइट आ गई है, क्योंकि सुबह की गई थी, लाइट आ गई है अभी। तो शी इज लाइक नहीं अली, लाइट नहीं आई, जनरेटर चलाया, डीजल खत्म हो गया था। अम्मा से फोन करके पूछता हूँ कि लाइट आई है नहीं। आई थिंक ऑनेस्टली नहीं आई, लेकिन चले चले गुजारा हो जाएगा। कॉफी बनाते हैं, इसको थोड़ा लेफ्ट राइट करना पड़ता है, जगह कम है। इसमें भी बीन्स डालेंगे और इसको इसकी तार यार, हाँ इसको निकाल के इसकी तार लगानी है। हैंड हो गया ऑन, ये मेरा डेली डोज हो गया एंड मेरी कॉफी। ये नहीं, मेरे लिए नए बीन्स लेके आई थी, ये फ्रेशली रोस्टेड बीन्स हैं। और इस तरह के ये जो होते हैं ना, कन्वेंशनल बीन्स होते हैं, ये आपको हर जगह मिल जाते हैं, ये ऑफ द शेल्फ होते हैं। जो स्पेशल ग्रेडेड होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि फ्रेशली रोस्टेड हैं, प्रीमियम है, इस तरह के पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, ये राज है। ऑनेस्टली बहुत अच्छी कॉफी है, लर्जिंग साइड पे जेन्युइनली वेरी नाइस एंड वेरी वेरी फ्रेश। मतलब आई वुड टेक दिस ओवर दिस एनी डे। अच्छा सीन ये है कि ये वाली जो मशीन है, सिस्टम थोड़ा सा अलग है। जो घर पे मेरे पास मशीन है वो है एक एस्प्रेसो मशीन, अन्या की जो मशीन है दैट्स एन एस्प्रेसो मशीन, दिस इज अ फिल्टर कॉफी मशीन। फिल्टर कॉफी थोड़ी सी अलग होती है, मतलब वो ब्लैक कॉफी होती है। अभी इसके अंदर बनाते हैं कॉफी एंड यहाँ पे पहले चलता है पानी। मैं डालूंगा पानी एंड करना कुछ नहीं है, ये बीन टू कप इसमें हमने बीन्स डाल दिए, सारा कुछ खुद ही करके आपने निकाल के दे दिया आराम से। और ये दबा दिया इसको, अभी होगा ग्राइंड और उसके बाद निकलेगी यहाँ पे कॉफी। बेसिकली सीन ये हाउ इट्स डिफरेंट, एस्प्रेसो शॉट जो होती है वो इतना सा लिक्विड होता है, दैट इज वेरी वेरी डेंस। उसके ऊपर क्रेमा की लेयर भी होती है, आपने नोटिस किया गोल्डन। ये जो होती है बिल्कुल पानी में होती है, ट्रेडिशनल वे है यहाँ पे कॉफी बनाने का, और यहाँ पे ये स्लोली ड्रिप होगी। इसको ड्रिप कॉफी बोलते हैं, फिल्टर कॉफी बोलते हैं, अलग अलग नाम है जो भी यूज करना है। यहाँ पे जो इसके नीचे का पोर्शन है ये गर्म होता है, और उसके बाद यहाँ पे ऊपर से जो बीन्स डाले वो ग्राइंड होके यहाँ पे जाते हैं और फिर वहाँ से ड्रिप होके आता है पानी। और ये जो कॉफी जो है वो हो गई है, ऊपर से दिखाता हूँ, ये इस तरह से दिखती है। हो मुझे लग रहा है आज भी शादी एंड होने वाली है, क्योंकि ये अभी तक कुछ सीन नहीं लग रहा। एंड टाइम जरा देखें, 10:19 एंड तुम कितना टाइम है? कितना टाइम है? टाइम कितना है तुम्हें? बस 10 मिनट। मीनवाइल आई एम हैविंग माय कॉफी। अनिया को बोला जल्दी करें, और अनिया मुझे क्या बोल रही है? मुझे प्रेशर नहीं डालो, तुम भी मुझे कितना तंग करते हो प्रेशर से। हमारी डीवा फाइनली पता नहीं कितनी सदियों बाद तैयार हो गई है। इधर दिखाओ प्लीज, इसमें इन्होंने कोई लगाए हैं 10 घंटे और अभी टाइम हो रहा है, ये देखो ऑलमोस्ट कोई 10:45 बजे हम शादी पे जा रहे हैं। पता नहीं यार क्या होगा हमारा। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हुआ क्या, एक्चुअली इशू क्या था। शादी पे जाने से पहले ही ये इशू हुआ। बेसिकली मैं अपने साथ लेके आया था अपना सूट, और मैंने जाहिर वलीमे का फंक्शन है, मैंने सूट पहनना था एंड सूट तो मैं ले आया। मैंने कहा जो मेरा ग्रे चारकोल वाला सूट है ना वो मैं पहनता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है, वो पहन के चलते हैं। तो वो मैं ले आया, मैंने पैक कर लिया। अब मैंने डबल चेक किया नहीं उसको, तो यहाँ पे आके मैं नहा रहा था इतनी देर में, मैंने इंडिया को बोला पैंट जो है ना, पैंट और शर्ट जो है वो इस्त्री करा दे, व्हाइट शर्ट एंड चारकोल पैंट, ये सेम इसी कोट की। तो अनिया कहती है अली नहीं है, पैंट नहीं है। मैंने कैसे कैसे हो सकता है यार, सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैंने बाहर निकल के देखा और मैंने कहा यार ये क्या हो गया। तो बेसिकली पैंट जो है वो घर पे रह गई थी, और हमने फिर सोचा कि यार हम नहीं जाते, हमने सोचा था मिस कराते हैं, मतलब हम एज इन मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा भाई, क्योंकि इतना ऑड लगता है कि सारे सूट में होते हैं वलीमे पे। जो चलो बारात पे आप ये पहन जाते हैं जरा मेक सेंस, लेकिन वलीमे पे हाँ, बट नहीं ना भैया, 90% ऑफ द पीपल आर इन सूट्स, और चले अंकल होते हैं थोड़े से जो सलवार कमीज में और कोट में होते हैं। तो मैंने कहा एटलीस्ट मैं अपनी एज ग्रुप में तो लगूं। तो हमारी बेगम बहुत सैड हो गई थी,
लाइक मैं शादीशुदा हो के कपल्स इनवाइटेड इवेंट पे भी अकेली क्यों जाऊं? मैं और इमान तो एग्जिस्ट ही नहीं करते यार। मतलब कपल वाले ना, कपल्स, वी आर अ कपल्स, तो वी आर अ कपल्स वाला सीन था। हमने कहा हम जाते हैं, तो फिर उसके बाद ये हुआ कि जब सवाल पूछा कि सिग्नल क्यों नहीं आ रहे, पावर बंद हुई, इनके पोल तो नहीं गिरे ना भैया, किसी के भी सिग्नल नहीं आ रहे। जायज के आ रहे हैं, स्ट्रॉबेरी शेक पीने का दिल चाह रहा है। प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस राइट नाउ। तुम्हें बहुत कुछ पीने का दिल करता है, खाने का दिल करता है। अनिया का एक प्रॉब्लम ये है कि एक तो अनिया को भूख में दुनिया जहान की अजीब और गरीब चीजें खाने को पीने को दिल करता है, और ये क्या वो अगली वीडियो के लिए गाइस, वो अगली वीडियो बताएंगे आपको। आजकल के बच्चे ना कसम से अपनी उम्र की बातें कर ही नहीं सकते गाइस। बात ये है कि जब हम इनके जितने थे, हम इतने शरीफ छोटे छोटे से बच्चे थे, इतने तेज है ना, ये इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं। अच्छा मेरी सूट वाली स्टोरी नहीं कंप्लीट हुई है, अपनी लड़कियों में मैं स्टोरी अपनी कंप्लीट कर लो यार प्लीज। अच्छा खैर, तो ये हुआ कि मैं अपने सूट सारा भूल गया था। उसके बाद फिर क्योंकि जाने का बहुत दिल कर रहा था, अनिया कहती है कि ड्रेस पैंट ड्रेस शर्ट, अच्छा चलो ले आते हैं। मैंने कहा इतना फार कौन है, जाके मैं भी लेके आऊंगा। अभी लिटरली घंटे में हमने निकलना है, जो फिर उसके बाद हम 3 घंटे बाद निकले क्योंकि ये तैयार हो गए। तो फिर उन्होंने इसलिए देर लगाई। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चले, मतलब हमारी बेगम ने हमें आइडिया दी कि यार जो सूट का ब्लेजर है ना, वो तुम शलवार कमीज के ऊपर पहनो। मतलब नॉट द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर अ वलीमा, बट जुगाड़ तो है। हमने कहा क्यों नहीं। तो फिर ये हमने शलवार कमीज पहनी, हमने उसके ऊपर ब्लेजर पहनी, हमने कहा चले फॉर्मल लुक कंप्लीट। तो समझ नहीं आता है, लड़कियां मेहनत इतनी करती हैं। अब ये देखें, ये ट्रिप होने वाली है, और लेकिन ये फिर भी इनको हील्स पहनी है, और फिर इनका जो कपड़े हैं, क्या इसको बोलते हैं, गरारा शरारा जो भी है वो अंदर आ रहा है। हाँ वो आ रहा है, बार बार ट्रिप होंगी। हमारे इस पे फूल लगे हैं, देखो ये ऐसे लग रहे हैं जैसे फूल है कि हाथ दे तो गिरोगी। हसन की शादी का आज आखिरी दिन था, आज वलीमा था। हसन तुम्हें कैसा लग रहा है? अल्लाह का शुक्र है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बाय बाय हसन, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह। हैव फन, इंशाल्लाह। गुड लक फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। थैंक यू गाइज। अगर आप लोगों को मेरी फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे कहीं भी ज्यादा तस्वीरें नजर आए ना, मैं स्पैम करूँ हर जगह, तो वो इन भाई की वजह से। ये जो भाई है ना, वन एंड ओनली, हर जगह पे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली कभी। फॉलो ऑन माय वेडिंग ऑफिशियल। हमारा अंदर पूरा फोटो शूट हुआ, अब हमारा बाहर पूरा फोटो शूट हो रहा है। किस तरह, मैं सोच रहा हूँ इतनी इंपॉर्टेंस तो अपनी शादी भी नहीं मिली। शादी वाला हमें फोटो शूट मिल रहा है मुफ्त में, बुरा हमें लग रहा है। क्यों क्या? क्यों? जब पूछा था तो मना क्यों किया था? हमने यहाँ पे डेरा डाला, हमने बोला भाई इतनी आपने दूल्हा दुल्हन के लिए ली जितनी हमारी लिए। क्लाइंट को भी पिक्चर्स बाद में मिलेंगी, पहले मिलेंगी। वीआईपी प्रोटोकॉल हमें कमिटमेंट मिल रही है वैसे, कमिटमेंट। शादी आसान की, आसान कहता है यार मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसे तुम लोगों ने दिए हैं जितना हमारा फोटो शूट हो रहा है। इनका क्या देना है, हमारा क्या देना है, कौन से मॉडल, मॉडल तो ये है, ये मॉडल है, ये मॉडल है। नबिया को ज्यादा भाव नहीं मिल रहा है, इनका फोटो शूट हो रहा है। ये अनिया जो है वो कसर पूरा कर रही है यहाँ पे। नबिया वो करो पिक्चर फेस। फाइनली घर आ गए, एंड घर आते साथ ही हमें याद आया कि जारा आज जा रही है रात को, तो इसलिए अनिया जा रही है उनको छोड़ने। कैच है, तुम कितनी देर में आओगी? चलो ओके बाय, ड्राइव सेफ। ओके अब क्योंकि अनिया चली गई है और पॉपी और बेला को वॉक पे लेके जाना है, तो मैंने कार्डियो भी नहीं किया, जिम भी नहीं गया, तो इसीलिए इनके साथ ये छोटे छोटे से हैं, इनके छोटे छोटे से पैर हैं, इनको लंबी वॉक पे लेके भी नहीं जा सकते, थोड़ी बहुत जो वॉक इस पे लेके जाना पड़ेगा। एक ये है पीस, एक वो पीस है वहाँ पे। जी ले लो आप, नहीं उसको लेना। आप ले लो, चलो पॉपी चले, अरे पॉपी चलो 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 बेला को ले कोल्ड इन कराची, सो कोल्ड -10 हो रहा है यहाँ पे भाई। फॉर द पीपल अभी घर से भाग गई थी थोड़ी देर पहले। जितना ये भौंकती है ना, उतना तो घर पे मेरा 50 किलो का कुत्ता भी नहीं भौंकता वैसे। चलो बेला आ जाओ, चलो चलो चलो, जितना छोटा साइज है ना कुत्ते को उसने भौंकना भी उतना ज्यादा है। ये आ गई हमारी दीवा, ले भी आया दोनों ने। अभी तो खाया था शादी में, नहीं खाया कुछ भी शादी पे, मैंने जो लिया तो उसमें इतनी मिर्ची नहीं, मुझे कुछ खाया नहीं गया। What do you want? जल्दी करना पड़ेगा, 3 बजे सब बंद हो जाएगा। ऑप्शन दो, KFC, डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स, टिक्का मंगा लो मेरे लिए। या स्कूल जाती है या कोई फैशन शो जाती है जो रात में कर्लर लग गए बालों पे लगाने, मम्मा को बताओ अभी। स्कूल मम्मा जरा क्या निकली फैशन, अभी मम्मा को बताती हूँ। बताओ बताओ फिर किस लिए रात में लगाया, सुबह स्कूल है यार, वो मेरे बाल खराब हो रहे हैं। अच्छा अभी मैं पूछा वॉक्स आने तो बहुत ज्यादा, तो अभी क्या जरूरत पड़ गई ठीक करने की? अनटच, अब मैं स्कूल जाना, स्कूल नहीं
मम्मा नबिया जो है कर्लर लगा के जा रही है बालों पे, और जो है वो बहुत फैशन करना शुरू हो गई, इतने झुमके शुमके पहन के जाती है स्कूल, आपकी सोच है। मस्कारा भी लगा के जाती है और लिपस्टिक भी। मस्कारा और लिपस्टिक तो मैंने जिंदगी में नहीं लगाई। और मैं भी आपको तस्वीर भेजती हूँ उसकी कर्लर की। भेज भी थी नहीं भी लग रही है तुम, उनको पता नहीं है यार क्या बता रही है। नहीं यार किसको भेजी? अच्छा मुझे नबी सीरियसली ऐसे बता, अगर वाकई मम्मा को भेज दी थी तो आप क्या करती? क्या मम्मा को वहीं से चप्पल आती? मम्मा की वहीं से चप्पल आती, अगले दिन सुबह सुबह उठ के मेरे बालों की चुटिया बना के ना तेल लगा के, तेल में लगा के वो गोल की बाल के कानों में डाल के कहती अब जाओ स्कूल। यार एक दफा ना ये ना सेवन क्लास की बात है, हम ना स्कूल जाती थी सेवन क्लास में ना, तो लाइक मेरी चुटिया बना के जाती थी, लेकिन घर आई तो मेरी चुटिया आगे हुई थी, सिर्फ आगे हुई थी अंजा, चुटिया पीछे से आगे हो गई थी। तब पता है मुझे तुम स्कूल के, मम्मा ने बोला तो सही बोल रही थी, चुटिया आगे हो गई थी लाइक सिर्फ आगे, खाना खाते खाते मेरे क्या मंगवाए कैसे खाने के लेडी सो गए इमाम भी सो गए। अच्छा फिर हम तीन ही हैं इस बस पार्टी करने के लिए। आज मैं सोच रही हूँ मैं सोए बगैर जाऊँ ताकि अपना इंटीग्रेशन का टेस्ट फुल मार्क्स लेकर आओ। सोए बगैर इंटीग्रेशन के टेस्ट में फुल मार्क्स आते हैं जी। कराओ सर ये उतारो। अच्छा नहीं करे यार, आपको क्या मसला है? मुझे नहीं अच्छी लग रही स्कूल की फैशन आपके, जो पफ बना के जाना ना चुटिया बांध के साथ में। वैसे ऑनेस्टली तुम्हें नहीं लगता कि स्कूल जाने वाले बच्चे प्रिम प्रॉपर और लाइक अच्छी टाइट से हेयरडू में होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, नो मेकअप, नो ज्वेलरी, नो बालियां, नो लंबे नाखून। लंबे नाखून तो इसके आपके हो भी नहीं सकते। यार मुझे एक बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, मतलब जब तक मैं ओ लेवल्स में था ना तब तक हमारा एक यूनिफॉर्म होता था, मतलब अक्सर स्कूल्स का होता है एक व्हाइट शर्ट होती है यूजुअली, और वो ग्रे आपकी पैंट होती है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओ लेवल्स तक ठीक था। अब ए लेवल्स में क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं था तो और कलर क्लोज अलाउड थे, अब सुनने में कितना अच्छा लगता है मतलब जो भी आप महंगे चले, लेकिन फिर आप घर वालों को तंग करते हैं, वो नाइकी के जूते आए हैं, एडिडास के जूते आए हैं, वो लेके दें और वो वाली शर्ट लेके दें, वो वाली पैंट लेके दें, मतलब वो स्कूल कम फैशन शो ज्यादा लगता है। तो यू नो आई थिंक वैंस लेके दें, ये लेके दें, घर वालों के लिए तो सरदर्दी बन जाता है। लाइक यू नो ये चीजें इस पॉइंट पे रियलाइज होती है, आई फील स्कूल शुड बी वेरी मॉडेस्ट यूनिफॉर्म, और एक स्पेसिफिक होना चाहिए कि भाई ठीक है स्कूल शूज के अलावा और कोई जूते नहीं पहनने आपने, कोई और बेल्ट नहीं पहननी, ताकि शोखियां वोखियां जो है बड़े के मारते हैं। स्कूल में सबको बराबर होना चाहिए। नबिया ने क्या मंगवाया केएफसी से? क्या जिंगर आटा? सीरियसली नबिया जिंगर आटा ही मिला था यार मुझे? नहीं कुछ दिल नहीं चाह रहा था कुछ खाने का, कुछ दिल नहीं चाह रहा था खाने का, तो मैंने जिंगर आटा मंगा लिया। Oh my God, I'm not gonna eat it, but I'm still gonna order zinger atta. Papi ki manners dikhao tumhe? Dikhao. Papi dara sit. Touch. Sit touch karo. Sit. Abhi dekha. Sit karo. Papi sit. Kitni bhook lagi hui hai bhaiya. Stay Papi. Stay. Stay. No, stay. Nahi khana abhi. Abhi nahi khana. Stay. Stay. इज्जत का कचरा हो जाएगा, वो फिर भी नहीं, ब्रूनो भी नहीं खाएगा, रहने दो अली, ब्रूनो के तो मुंह पे रख के स्टे बोलो, ब्रूनो करा होता है। गाइस मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है, वीडियो बनाऊंगा, आप लोग गवाह होंगे। अब कराओ नहीं वो स्टे वाला दोबारा कराओ, स्टे पॉपी स्टे, उसको पता ही नहीं है, पता है उसको। अच्छा अब स्टे कराओ, पहले सिट कराओ, स्टे पॉपी सिट, बोलो खाए, ये लो खा लो, गुड बॉय गुड बॉय पॉपी। तो जी हम सब में सबसे पहले जा रही है अनिया सोने, और ये मैडम तो उठी रात के 8 बजे जिंगर आटा मंगवा के मेरा जिंगर बचा हुआ खा रही है। गुड नाइट, आई एम जॉइनिंग यू इन 10 मिनट्स, योर चिकन इज ऑन द टेबल, ओके लव यू टू, गुड नाइट। चले गाइस मैं भी 10 मिनट में जाने वाला हूँ, आपसे मुलाकात होती है कल एक नई वीडियो में एक नए ब्लॉग में, तब तक अपने ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।